को भी सारे भाई ने राम राम। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 करीब, तो मैं गुड़गांव थोड़ा काम था, तो मैं कहा चल गुड़गांव आंडे हुआ एक बार, और मैं कहा एक भाई आती वो लोग बना दे। धुन देख कर कुछ याद आ गया था आज, मैं कहा आज भाई आती वो ही परोसने में गर्मा गर्म है, तो इस वजह से चलो भाई निकले हैं। धुन तो इतनी तो ना है, हवा चाल गई अड़े तो, पर भाई सुबह जब उठा मैं जब बहुत ज़्यादा थी। चलो भाई लगड़ा है, एक बात तो है भैया ने रोड कई बार देख लिया, यो बोर हो गए होंगे देख देख कर रोडों ने, पर क्या करे भाई लाई बे, पिछली बार गए थे घूमने वो डाल दी थी, अब जड्डा इतना हो रहा है, धुंध इतनी हो रही है भाई, बिल्कुल जी नहीं करता कती भी, क्यों आज तो धुंध कम है ना, काल तो इतना इतनी गंदी वाली धुंध थी भाई की पूछो मत। तो भाई कुछ याद आ गया था धुंध देख के, तो आज भैया तो बात शेयर कर लेंगे, क्यों भाई जैसे धुंध है अपनी, जैसे आगे वाली बाइक की बैक लाइट काम कर रही है, ये भी बहुत ज़रूरी कि बैक लाइट, क्यों हमने पता चल जाए कि पीछे कोई गाड़ी वाले ने दिख जा, हाँ भाई अगला बंदा ब्रेक ले रहा है तो अपना एक्सीडेंट का खतरा कम हो जावा है, भाई अपना बचा हो जावा है। तो दूसरा है भाई अपना हेलमेट क्लीनर, जो अपना हेलमेट का शीशा है क्यों खुला रखेंगे तो भाई हवा लगेगी पूरी पूरी भीतर, और वो है ना फिर आँखा पर धुंध जम जाएगा, पानी जम जाएगा, वो बुरी हालत हो जाएगी। तो अपना हेलमेट का शीशा भाई अपना साफ रखो, सबसे बढ़िया है अपना कपड़ा रखो कपड़े के साथ साथ और चलते रहो। और फिर है अपना भाई हेडलाइट, हेडलाइट तो धुंध में भाई बहुत ज़रूरी है, क्यों अगर हेडलाइट ही ख़राब होगी तो भाई आगे तो कुछ ना दिखे, और ना अगले बंदे ने गाड़ी क्रॉस करनी होगी, हम तो अप डाउन करके करेंगे क्रॉस, तो इस वजह से भाई अपना हेडलाइट भी ओके रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर है अपने ग्लव्स और जूते भाई, क्यों ठंड में भाई दोनों हाथ भी सिकुड़ जाए और पाँव भी सिकुड़ जाए, अगर हम इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने पड़ गए तो इस वजह से फिर टाइम पर लगे नहीं गए। तो भाई ने अपने दस्ताने और जूते अपने पैर का चला करो, क्यों अगर कोई गाड़ी आगे ठुकरी होगी तो हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लग गए नहीं गए, उसकी गले गले मारा भी ले हो जाओगा भाई। तो फिर है अपना भाई टायर, अपने टायर सही कंडीशन में होने चाहिए, क्यों इमरजेंसी में ब्रेक भी लगाने पड़ गए तो भाई बाइक स्लिप ना हो, अगर टायर एक ख़त्म होंगे तो भाई ब्रेक मारेंगे तो बाइक तो रिप रहेगी। ये भाई अपना आ गया है शनि मंदिर, जय हो बाबा की भाई। फिर अपने भाई धुंध में अपना जो भी गाड़ी क्रॉस करे, इसमें तो जैसे गाड़ी में तो अपने वही है अपने पार्किंग लाइट जला रखी है, तो हम जैसे गाड़ी की क्रॉस करेंगे, या तो ये तो अपना 4 लाइन रोड है, अगर डबल लाइन का रोड हो तो कोई गाड़ी आगे तार हो तो हम अपनी लाइट अप डाउन करेंगे तो अगले वाले बंदे ने पता चल जाएगा, और पीछे वाले का देंगे इंडिकेटर, और इंडिकेटर का एक और ध्यान रखियो भाई, क्यों कई बंदे बहुत देखा है रोड पर कि चला गए और भूल जावे हैं, फिर वो पीछे वाले ने अंदाजा ना होता भाई किस साइड जागा, लेफ्ट जागा है राइट जागा, वो इस चक्कर में कन्फ्यूजन, अगर लेफ्ट का दबा रखा होगा तो वो अपना चल ही, हम तो अपने चल रहे हैं भूल गए, हम वही पीछे ताकर ठोक देगा, तो इस वजह से भाई इस चीज़ का ना ध्यान रखा करो। अरे एक भाई अपना जो करीब ईब तो धुंध कम है, कल ज़्यादा थी, तो इस वजह से अपना सेफ डिस्टेंस कम से कम 30 मीटर का होना चाहिए, अगर इमरजेंसी में ब्रेक भी लगाने पड़ गए तो अपने हमारी बाइक हो या गाड़ी हो अपने हमारे कंट्रोल में आ जा और रुक जा, ठुकने तो बच जा, और भाई अपना ब्रेक का सिस्टम भी ठीक रखो, क्यों बारिश में तो रखना ही पड़ा है तो धुंध में तो और ज़्यादा रखना पड़ा है, वही ना अगर टाइम पर ब्रेक के ना लगेंगे तो फ़ायदा क्या होया, फिर वो तो फिर ठुकनी है ठुकनी है। और अपना टाइम पर सर्विस ड्यू नहीं होनी चाहिए, सर्विस में भाई सब कुछ कवर हो जावा है, पिछले अपना इंडिकेटर भी चेक हो जाओगे, बैक लाइट भी ब्रेक लाइट भी चेक हो जाऊंगी, सारी चीज़ कवर हो जाएंगी इसमें, लाइट वाइट अगर कोसा बल्ब फ्यूज हो रहा है उसने अपना चेंज करवा लिया हमें, तो इस वजह से अपना सर्विस भाई बहुत ज़रूरी है। और टायर का तो ऐसा भाई दोबारा बोल रहा हूँ, टायर का तो अपना भाई घिसे उड़ तो होने ही नहीं चाहिए, और वही है ना जो कंपनी ने दे रखा ना अपना टायर में जितनी हवा भरो, जितनी दे रखा है उतनी हवा भरो, क्यों रोड पर अपना चिपक के चलेगी गरीब बन जाएगी तो बाइक स्लिप होने के चांस बहुत कम रहे हैं भाई। चलो भाई आज का ज्ञान इतना ही है, अपना ही काम निपटाया हुआ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, भाई लाइक और सब्सक्राइब करा करो चैनल ने, भाई जाडा लागन लग गया जाड़ी और बाजन लगी तो भाई सपोर्ट करा करो भाई ने, तभी तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। चलो ठीक है भाई, सारे भाइयों ने राम राम।